पहली बात तो मैं इनको ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले प्रथम राष्ट्र भारतीय हैं या पहले कश्मीरी कहेंगे, जो मेरा इनसे सवाल है। मैं वक्त जो है वो हो चुका है बहस का नंबर वन शो ताल ठोके का, और आज ताल ठोके का ये विशेषांक है इंडिया का डीएनए, जिसमें इंडिया का डीएनए और साथ ही उससे जुड़ा है कश्मीर का डीएनए। कश्मीर का एक नया जन्म हुआ कल, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने, उपराज्यपालों ने शपथ ली और इसी के साथ एक नए कश्मीर का जन्म हुआ, नए कश्मीर। इसलिए हम नए कश्मीर का डीएनए भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको लेकर क्या वाकई विवाद खत्म होने का समय अब आ चुका है। अब जिस तरह से इतिहास बदला है, अब विपक्षी पार्टियों को भी क्या बदलने की जरूरत है, आगे बढ़ने की अब जरूरत आ गई है। मेरे साथ एमएस बिट्टा साहब है, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एमएस बिट्टा। हमारे साथ मोहित भान है जो कि पीडीपी के नेता है, जोरदार तालियां मोहित भान के लिए भी। और डॉक्टर कॉल, डॉक्टर समीर कॉल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता प्रवक्ता, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही अब एंट्री टाइम पर ले ली है डॉक्टर संबित पात्रा ने, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जी बिट्टा जी, वो कह रहे हैं 1.5 करोड़ लोगों की आवाज को दबाकर, और आज तो महबूबा मुफ्ती ने भी 1-2 दिन पहले ट्वीट भी किया था। मैं चाह रहा था वो मोहित भान जी को बताऊं कि कश्मीर में मैसेकर जनसंहार करके देश जश्न मना रहा है, ये उनका जश्न है, हमारा नहीं। वो डिवाइड पैदा कर रही है कि इंडिया एक तरफ, कश्मीर एक तरफ। बेटा जी, पहली बात तो मैं इनको ये पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले प्रथम राष्ट्र भारतीय हैं या पहले कश्मीरी कहेंगे, जो मेरा इनसे सवाल है। मैं एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए ना। हाँ दे दो, निसंकोच मैं भारतीय पहले हूं और निसंकोच मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक भी हूं। ठीक, ये दोनों चीजें आपको स्पष्ट कर देंगे आपका आगे का जी। आपका वाद विवाद है वो रखने के लिए। देखो, पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट चली, पंजाब में क्या था, इससे भी खतरनाक हालात थे। सॉरी, मैं एक मिनट। हाँ जी, 20,000 लोग होके भी आज आप मुझे पिछले 20 साल में इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में आज मुझे आप ये सवाल कर रहे हैं, मुझे वाकई में बहुत बहुत बुरा लग रहा है। देखो, जा तो मुझे बोलने दीजिए, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, हजारों बहनों के सुहाग उजड़े, खून की नदियां बही, प्लेनों से ट्रेनों से जब भी लोग निकलते मार करके सिख समाज के लोगों को छोड़ करके उनको गोलियों से भून दिया जाता था। हमने मौत का कफन बांध के निकले थे, खालिस्तान मांग कर रहे थे, पाकिस्तान में पंजाब को लाने की कोशिश कर रहे थे, को हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं। उस वक्त हमने नारा दिया था, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एकता ही शक्ति है। और आतंकवादियों से लड़ाई लड़ते लड़ते कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई, हम भी उस काफिले में थे, शरीर का आधा हिस्सा गवाया। और आज पंजाब को अमन शांति, क्या पंजाब के अंदर खालिस्तान का झंडा लहराने दिया, ना खालिस्तान बनने दिया ना बनेगा। अब भी कहते हैं बनेगा तो हमारी लाशों से गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा। अब भी कहते हैं कश्मीर हमारा था, कश्मीर इनका है, कश्मीर आपका है, हमारा रहेगा, उसकी कोई चर्चा नहीं। हाँ देखो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो सकते, बीजेपी के लीडर हो सकते, मेरा बचपन का सपना था, मेरी आज की लड़ाई नहीं है। 35-40 साल अस्पतालों में बम गोलियां खाते खाते गुजर गए। उस वक्त के कहते थे 370 धारा हटनी चाहिए, कांग्रेस में रह करके इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट पंजाब का मिनिस्टर होके कहा करता था 300 हटनी चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमसे कोई आंख से आंख कांग्रेस में मिला ले। आज हमारा बचपन का सपना हिंदुस्तान के वो जाबाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, जिसने हमारे हजारों जवानों की शहादत, जवानों के जनाब सिर कट जाते थे, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, क्या कभी आपकी तरफ से आवाज उठी? एक मिनट, बाद में बोलिए, आवाज उठी? सब अपने कश्मीरी पंडित, हजारों कश्मीरी पंडित बेकार कर दिए, हमारी बहनों के साथ क्या हुआ, हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ, उस वक्त कहां थे, क्या कोई खड़ा हुआ? आज हम अपने हक की बात मांगते, हक मांगो, जरूर हक मांगो। अगर कश्मीरी पंडितों के लिए आप चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, अगर वो जवान जिनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके घरों में गए हैं,
तो जरूर हक मांगो। अब कश्मीर आपका है, भारत आपका है, हम भाई भाई हैं, हम अलग नहीं करना चाहते। संविधान एक, तिरंगा झंडा एक, भारत एक और जनगण मन एक होगा, ये मैं कहना चाहता। बेटा आप बोल दीजिए बुरहानवानी आतंकवादी, हमने अगर आज एमएस बिट्टा बोल रहे हैं, सुनिए ना, आप मेरी सुनिए, अब आप मेरी सुनिए, अगर एमएस बुरहानवानी पे भी सुनिए ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपको जाकिर मूसा पे भी जवाब बुरा लगा ना, एमएस बिट्टा ने बोला आप पहले भारतीय है पहले कश्मीरी, आपको बुरा लगा ना, आपसे पूछा है सुनिए ना, किसने आप पहले भारतीय है, मैं बुरहानवानी को आतंकवादी बोलूंगा ना, मध्य प्रदेश के हैं या गुजरात के हैं या कहीं और, बोलिए बुरहानवानी आतंकवादी था, मैं आपको बता देता हूँ, अनुमति हो तो पहली बुरहानवानी आतंकवादी था सर, बिल्कुल जिसने बंदूक उठाई जिसने नहीं, बुरहानवानी आतंकवादी था बिल्कुल, मैं बताऊंगा सर, बुरहानवानी था, जज्बाती क्यों हो रहे हैं, बात सुनिए ना पूरी, चलिए मैं बुरहानवानी जाकिर मूसा एक एक आतंकवादी का नाम लेकर आपको बताऊंगा सर, कौन कौन आतंक के हिस्से में था, इसलिए नहीं था, इसलिए चलिए ठीक है, डॉक्टर कॉल के सवाल का जवाब, मिसप्लेस्ड आर्ग्यूमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं कि कश्मीरी पंडित तभी वापस जा सकता है जब 370 हटेगा। एमएस बिट्टा देखो बाकी चीजों का जवाब तो सरकार की क्या पॉलिसी है ये तो अपना पात्रा साहब डॉक्टर साहब देंगे, मेरा जो अनुभव है पिछले 5 या 6 साल का, शुरुआत हुई थी कश्मीरी पंडितों को वापस भेजने की, जेतली जी का भी स्टेटमेंट था, उन्होंने भी कोशिश किया, पर मैं उसके विरोध में रहा। मुझे ये पता है कि जिस दिन कश्मीरी पंडित अपने घरों में वापस जाएंगे वो जिंदा वापस नहीं लौट सकते, उनकी खून से लथपथ बॉडी आएगी, ये मुझे पता था। सुरक्षा हम कितनी भी कोशिश करें, सरकार कितनी भी कोशिश करे उनकी सुरक्षा की, वो नहीं कर सकते। 370 धारा आज हटी है, अभी भी 1.5 साल के बाद कोशिश हो सकती उनको भेजने की, ये मेरा सुरक्षा का अनुभव है, ये मेरे सुरक्षा का अनुभव है। ये कैसे गारंटी ले सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों को आप वापस भेज दीजिए, कल को उनको फिर गोलियां चले, बम चले, उनका नुकसान हो, क्या आप जिम्मेदार होंगे? क्या महबूबा मुफ्ती क्या कहती थी, हम तिरंगा झंडा नहीं लहराने देंगे, आज कहां तिरंगा झंडा, आप देखो मैं नंबर से भी सहमत नहीं है तो मैं तो आपको कभी भी सहमत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कश्मीरी पंडित वापस जाएं, फिर तो ऐसे तो आप फिर कैसे जाएंगे पूरे देश के, फिर तो पूरे देश को जाना पड़ेगा ना कश्मीरी पंडित, हम कब तक इंतजार करें, 30 साल तो हमने निकाल दिए, हमारे बुजुर्गों ने 70-70 साल उठाती है, पॉलिटिकल पार्टियों ने जिम्मेवारी उठाई है, आज भी हमारे प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि हम सबको वापस भेजेंगे, मुझे अच्छा लगा मोहित भान, उनका भी मुझे अच्छा लगा आपको कश्मीरी पंडितों की, लेकिन जिम्मेवारी कौन लेगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह माननीय हमारे जम्मू से मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, एमओएस में ये सॉरी प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ठीक मिनिस्टर भी हैं, उनका भी ये कहना है कि हमारे को कश्मीरी पंडित को वापस भेजना है, हम हालात ठीक कर रहे हैं लेकिन उनको वापस जाना, आतंक मुक्त माहौल बनाना होगा ना उसके लिए, 370 क्यों जरूरी, 4 पॉइंट्स, बात खत्म 370 क्यों जरूरी, 4 पॉइंट्स, डॉक्टर कॉल एक मिनट, नहीं इनको मौका दीजिए ना, ये भी तो सवाल इनसे पूछे, इनको उठाइए, ये सवाल पूछे, डॉक्टर कॉल पूछे, 370 क्यों जरूरी, 4 पॉइंट्स, 370 मेरे हिसाब से एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट थी जो हमने अपने ही बाशिंदों से की हुई थी, और उसको अगर हमने हटाना था उनकी सहमति के बगैर, 4 पॉइंट नहीं हटाना चाहिए, आप एक नहीं बता पाएंगे डॉक्टर कॉल, नहीं मैं आप सुनेंगे नहीं, नहीं आप मैं आपको बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये एक हिस्टोरिकल, नंबर वन सिविलाइज्ड कंट्री ऑनर्स इट्स हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स, अच्छा एक सेकंड, सिविलाइज्ड कंट्री, वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक, वी आर होपिंग टू बी अमंग द टॉप इन द वर्ल्ड, हमारे लिए ये एक रेट्रोग्रेड स्टेप था, अगर हमने किसी से कोई बात की हुई थी, कोई वादा किया हुआ था और वो अपना ही बेटा था, उससे पूछ के उसके, पॉइंट नंबर वन, इट वॉज ए हिस्टोरिक डिसीजन, नंबर टू दैट पॉइंट, दैट पार्ट ऑफ द स्टेट, द प्रॉब्लम, ऑल द कमीशन्स जितने भी हमने अपॉइंट किए यूपीए के टाइम में या उससे पहले रंगराजन कमीशन, उनके सारे जो उन्होंने डिलिब्रेशंस के बाद या जो मनमोहन सिंह के टाइम भी एक राउंड टेबल हुआ, उसके सारे ये कहा कि वहां पीस रिस्टोर करने के लिए जो हमारा ताज है सबसे इंपॉर्टेंट था, कि जो शांति जो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बड़ी शांति किया जाए स्ट्रॉन्ग, तीसरी बात राजनीति, मैं काउंटर वन बाय वन करते हैं, आपने बोला पीस रेस्टोरेशन,
बड़ी शांति थी सर कश्मीर में। 370 हटने के बाद ऐसी जैसी शांति पिछले 90 दिनों में है क्या पिछले 70 साल में थी? नहीं, मुझे मुझे लगता है मुझे अब मैं जरा 10 सेकंड आ जाऊं। एक छोटा सा काउंटर है सर, जो शांति पिछले 90 दिनों में है क्या वो पिछले 70 सालों में थी? देखिए सब नहीं थी। कीजिएगा डॉक्टर कॉल, समय इतना ही था, शुक्रिया। माफ कीजिएगा बेटा जी, आपके पास दोबारा नहीं आ पाया, बहुत बहुत शुक्रिया। समित पाता डॉक्टर कॉल, समय इतना ही था, माफ कीजिएगा, समय की पाबंदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर कॉल आपका, मोहित बान आपका, बेटा जी आपका, समित पात्रा आपका, जोरदार तालियां एक बार फिर। इंडिया का डीएनए लगातार जारी।